Hello friends, welcome to Isotope classes. Today I am coming with my new video from Kingdom Animalia on Phylum Ctenophora. ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने अपनी हर ट्रिक में जितनी भी ट्रिक मैंने इससे पहले पोरीफेरा से और सिलेंट्रेटा बताई, आज मैं टीनोफोरा बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं अपनी हर ट्रिक में एक शॉर्ट में एक वर्ड्स लिखते हैं, उस सेंटेंस लिखता हूँ, उसमें सारी बात बताने की कोशिश करता हूँ, वैसा मैंने आज भी अगली ट्रिक में किया है। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द लाइन इज ए बी सी डी। ठीक है, सिंपल वर्ड है, इसलिए सब बचपन से पढ़ते आए हैं, ए बी सी डी रेड माउस एफ आई डी फीड। ठीक है, ए बी सी डी रेड माउस फीड। ठीक है, माउस की प्रजाति मान लीजिए कि ये ए बी सी डी माउस है जो फीड कर रहा है, रेड और माउस फीड कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए जितने में जहां मैंने ए का यूज किया है उसका मैंने ए लिखा है, उसका मैंने कोई यूज नहीं किया, यहाँ मैंने यू का कोई यूज नहीं किया है। थोड़ा सा रिमेम्बर रख लीजिएगा, एक दो बार आप देखेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी बताता है बायोल्यूमिनेसेंस। रुकिए एक मिनट, पहले मैं यहाँ बताता हूँ टीनोफोरा। टीनोफोरा का दूसरा नाम भी है सी वॉलनट और कॉम जेलीज, रिमेंबर इट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरे नाम में कॉम्प्लेट, ऑप्शन में अगर ये आ जाए कि बताइए कौन सा ऑड है और ये और ये लिख देगा, तो अगर पूछा कौन सा ऑड है तो ये ऑड हुआ। क्यों? ये तीनों चीज एक ही बात बता रहा है कि टीनोफोरा को और भी क्या कहते हैं, सी वॉलनट कहते हैं, कॉम जेलीज कहते हैं, उसको कॉम प्लेट नहीं कहते हैं। कॉम प्लेट उसका एक फीचर है, ठीक है, और ये उसके नाम है, ये याद रखना। ऐसा कई बुक में आप सवाल देखे होंगे तो ऐसा सवाल पूछा भी गया है। ठीक है, देखिए बाई बी फॉर बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर एक गुण होता है जो चमकने वाला गुण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, सी बताता है कॉम्प्लेट, जो लोकोमोशन में यूज करता है, उसको चलने के लिए यूज करती है कॉम्प्लेट को। याद रखें सीलिएटेड कॉम्प्लेट, ऑप्शन में फ्लैजिलेटेड कॉम्प्लेट होगा तो वो गलत होगा, दैट इज सीलिएटेड कॉम्प्लेट होती है जो चलने के लिए उपयोगी होती है। यहाँ पर डी बताता है डिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे होते हैं ये लोग, टीनोफोराज आर डिप्लोब्लास्टिक। एंड डी अगला बताता है डाइजेशन, इसमें भी दो तरह का, जैसा कि हमने पहले सिलेंट्रेटा बताया था वहां पे डाइजेशन दो तरह का था, एक्स्ट्रा और इंट्रा, यहाँ पर भी डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा और इंट्रा है। ठीक है, आर बताता है रेडियल सिमेट्री, पिछले पहले भी जो बताया उसमें भी है, मैंने बताया था पिछली फाइलम में कि वहां पर रेडियल सिमेट्री थी, यहाँ पर कैसे सिमेट्री, रेडियल। ठीक है, यहाँ टी बताता है टिश्यू लेवल, इससे पहले भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एम बताता है मेराइन को, याद रखें एक्सक्लूसिवली इतने जितने मेंबर हैं इसके टीनोफोरा के सारे मेंबर कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, मेराइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओ और एस को मैंने एक साथ लिखा है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2013 नीट में ये सवाल आ चुका है, ये एक ऐसी टीनोफोरा में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। याद रखें इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मेराइन मतलब पानी में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और आईडी मतलब इनडायरेक्ट, इसका मतलब इसमें लार्वल स्टेज आती है, मतलब डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर एम यहाँ बता रहा हूँ सेक्स और नॉट सेपरेट, मतलब इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी में होते हैं, सिर्फ सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब मोनोथियस, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी और मेंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब सिंगल पार्टनर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो टीनोफोरा से कुछ एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए हैं मैं बताना हूँ कैसे याद रखेंगे, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो देखिए यहाँ पर पी फॉर फ्लोरोब्रांचिया, सी फॉर टीनोफोरा एंड बी फॉर बेरोई, एनसीईआरटी में दिया नहीं, याद रखें सवाल आ चुका है बीएचयू पीएनटी में, याद रखेंगे। ठीक है, जितनी भी बातें एनसीईआरटी ने लिखा है मैंने यहाँ पर एक लाइन में सारी बातें बताने की कोशिश करी, जैसा कि मैं अपने हर ट्रिक्स में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।